अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जी, क्या खड़े होकर पानी पीना गुनाह है। ये हमारी वीदियो जो है वो अलामा मौलाना अलियास अतादरी कादरी साहब की वीडियो है, तो मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। बापा, आप खड़े खड़े पानी पी रहे हैं? मैंने आप जमजम अच्छा बेसा मगफिरत की दुआ की नीयत से रमजान शरीफ इखलास मदनी चैनल की स्क्रीन पर आपको उस वक्त अचानक दिखाया गया जब आप खड़े होकर पानी पी रहे थे और पानी का कूजा आपके मुंह से था, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता था कि आप जमजम शरीफ पी रहे हैं, लेकिन मैंने कहा चलें मालूमात भी हो जाए, दिलचस्पी भी हो जाए और ये भी पता चल जाए कि अचानक किस वक्त दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने अचानक पूछ लिया आपसे कि आप खड़े खड़े पानी पी रहे थे। नहीं, अच्छा हुआ पूछा, इस बार मतलब सुन्नत पता चल गई ना कि काबे शरीफ तरफ मुंह करके खड़े खड़े आबे जमजम शरीफ पीना चाहिए। अच्छा, अगर जो दुआ मांगेंगे कबूल होगी माशाल्लाह। मिसाल के तो भाई आबे जमजम ना होता और आप खड़े खड़े पानी पी रहे होते तो ये सुन्नत ये है कि फिर बंदा बैठ के पिए। अगर वो खड़े खड़े पी लेता है तो जी खड़े खड़े इमाम साहब ने भाई किसी इमाम साहब ने खड़े खड़े पानी पी लिया तो अब क्या करें, उसके पीछे नमाज ना पढ़े हम? हदीस शरीफ में के खड़े खड़े पानी जो पिए वो कह करके निकाल दे। अच्छा हाँ, मगर पीने वाला गुनाहगार नहीं है। अच्छा, अब इमाम साहब हैं जैसे कि वो खड़े खड़े पी लेते हैं तो ये नहीं कि वो इमामत से माजूल हो गए या इमामत के लायक नहीं रहे, ऐसा नहीं है, इमामत उनकी बहाल है। अरे सुन्नत ये कि बैठ कर पिए, लेकिन अगर वो खड़े खड़े पानी पिएगा तो इसको बेअमल नहीं कहेंगे आप? गुनाह बेअमल नहीं कहेंगे, गुनाहगार नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कि क्या खड़े होकर पानी पीना गुनाह है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं इसी तरह की ही वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। अल्लाह।